नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सीपी शुक्ला ने कहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी नेताओं से साठ गांठ कर नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निगम अधिकारी और बीजेपी नेताओं ने शहर के विकास की राशि गबन कर ली है। शहर को गंदगी मुक्त करने का दावा नगर निगम द्वारा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर दावों की असली हकीकत कुछ और ही है। चाहता हूं कि स्वच्छता अभियान सिर्फ व सिर्फ दिखावा है। आज भी चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। करोड़ों रुपए स्वच्छता के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चाहे इसको नगर निगम को एजेंसी सरकार ने बनाई हुई है उसमें आप देखिए, या अन्य क्षेत्रों को भी देखिए, पूरे नगरीय क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरी तरह से गंदगी लगी हुई है। स्वच्छता के नाम पर सिर्फ आडंबर किया जा रहा है। बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता अभियान सिर्फ और सिर्फ